दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए भारतीय डाक विभाग की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 25,500 सैलरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18,000 सैलरी है। और ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की पोस्ट के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 10,000 रुपये सैलरी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं भारतीय डाक विभाग भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की पोस्ट है। टोटल 2,414 वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर पे स्केल की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,400 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए 10,000 से 14,500 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 10वीं पास। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो पीएएसए पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष है। एमटीएस के लिए 18 से 25 है। जीडीएस के लिए 18 से 40 वर्ष है। फीस की बात की जाए तो URAWS मेल के लिए OBC के लिए 100 रुपये है। SC ST PWD फीमेल के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन की बात की जाए तो मेरिट, एजुकेशनल और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के आधार पर चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हो। पंजाब और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ये जॉब निकली है। जी हाँ दोस्तों, punjabpostalcircle.gov.in या फिर indiapost.gov.in या फिर ap.post.in/gds-online-portal से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन आवेदन पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हो indiapostoffice.gov.in पोर्टल से। लास्ट डेट की बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट और एमटीएस के लिए 18 अगस्त है लास्ट डेट अप्लाई करने की, और जीडीएस के लिए 19 अगस्त है। पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट और एमटीएस के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, जबकि जीडीएस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बाकी की जानकारी के लिए, इस भर्ती के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आपको PASA MTS ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म PDF का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन यहां से ओपन हो जाएगी। कंप्लीट क्राइटेरिया आप पोस्ट वाइज यहां से चेक कर सकते हो। जैसे कि यहां पर पोस्टल असिस्टेंट के लिए 45 वैकेंसीज है, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 9 है और यहां पर MTS के लिए 3 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की भी कंप्लीट जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस PDF में दी गई है, और साथ साथ एप्लीकेशन परफॉर्मा भी इस PDF के एंड में आपको दिया गया है, जो आप यहां से क्रॉप कर सकते हो। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, PASA और MTS की जो ये पोस्ट है पंजाब पोस्टल सर्कल के अंतर्गत निकली है। स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। स्पोर्ट पर्सन के लिए यहाँ पर आवेदन का सुनहरा अवसर है। इसी तरह यहाँ पर जो GDS ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हो। यहाँ से लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो डाउनलोड नोटिफिकेशन का सेक्शन है। वेस्ट बंगाल के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर 2,357 वैकेंसीज निकली है वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल के अंतर्गत। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल्स PDF से आप चेक कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। अप्लाई करने के लिए भी यहीं पर पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन करते हुए सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।